और रास्ता रोकने से पानी की दिक्कत आई थी, क्योंकि जो श्रोमणी प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी है वो उसका सबसे बड़ा लंगर था जहाँ पे, उनको यहाँ पे सामान लेके आने में और जो भी वो प्रबंध कर रहे थे उसमें पूरी दिक्कत आई थी। मोदी सरकार ने इन्हें खड्डे खोद दिए, सारे इन्हें बंद कर दिए रास्ते, और बुढ़े बुजुर्ग ने कितने जानगे बेचारे। अच्छा, बुढ़े बुजुर्ग ने बेचारे कर रहे गुजारा अपने के मिला के में। कुछ लोग बाहर से टैंकर रोज मंगा रहे थे, ऐसा नहीं है कि पानी बाहर से नहीं आ रहा था, टैंकर रोज आ रहे थे, अब वो बंद हो गए तो जरूर उनको दिक्कतें आ रही हैं। मोदी सरकार ने इन्हें खड्डे खोद दिए, सारे इन्हें बंद कर दिए रास्ते। अच्छा, गरीबों को साफ ही नहीं दे रहा बेचारे, आए होने परेशान हो रहा ने। तो इसके कारण ये पानी को लेके बाथरूम टॉयलेट इनकी दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा बेचारे परेशान हो रहा ने, बुढ़े बुजुर्ग ने कितने जानगे बेचारे। अच्छा, बुढ़े बुजुर्ग ने बेचारे कर रहे ने गुजारा अपने के मिला के में। और रास्ता रोकने से पानी की दिक्कत आई थी, क्योंकि जो श्रोमणी प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी है वो उसका सबसे बड़ा लंगर था जहाँ पे, उनको यहाँ पे सामान लेके आने में और जो भी वो प्रबंध कर रहे थे उसमें पूरी दिक्कत आई थी। टॉयलेट्स का प्रबंध शुरू से ही था, जैसे यहाँ पे आपने पीछे देखा ना KFC पे लगा हुआ है, वैसे ही कुछ कुछ जगह पे प्रबंध है या लोकल लोगों के घर पे जाके लोग यूज़ कर रहे हैं। लोग सुबह अगर कोई लोग जा रहे हैं उनके पास रोज जा रहे हैं तो वो ओपनली उनको नहाने के लिए यूज़ करने के लिए खुले आम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बहुत सपोर्टिंग है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, जो कईयों ने तो रेंट के लिए भी जगह दी है और जो रेंट पे नहीं भी दे रहे वैसे उनके घर हैं, तो फैमिलीज़ को देख के जो परमानेंट यहाँ पे है उनके साथ उनकी बॉन्डिंग हो चुकी है, वो उनके यूज़ कर रहे हैं बाथरूम। जो पानी की प्रॉब्लम्स है, जो पहले से ही यहाँ पे प्रबंध चल रहे थे, जैसे कुछ जगहों में मोटर्स लग चुकी हैं, कुछ जगह पे मोटर नहीं लगा चुके हैं, है ना, वो मोटर जहाँ पे लगी है वहीं से लोग जो आसे पासे के जो लंगर वाले हैं वो सारे वहीं से पानी भर रहे हैं। सो अभी तक तो है कि मतलब ये मोटर किसकी लगी हुई है? कुछ तो खुद लगाई हैं, कुछ पहले से जो यहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप वालों ने लगा के रखी हुई थी, KFC मॉल है यहाँ पे, खुद की लगी हुई है, कुछ फैक्ट्री वाले हैं उनकी लगी हुई है, सो वो हमारे साथ साथ दे रहे हैं उसमें। सिंह बॉर्डर पर कुछ लोग मुझे यहाँ नालियों की सफाई करते हुए और साफ सफाई करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़े, और मुझे बताया बातचीत में कि ये लोग कबड्डी के खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से मुझे सही बताया गया? सही है, सही है, कबड्डी का खिलाड़ी है सारे, ये सारे कबड्डी के खिलाड़ी, सारे कबड्डी का खिलाड़ी से बात। तो ये कब से कर रहे हैं आप? शुरू थी पहले दिन तो ही असं आपका आला दुआला साफ रखी था। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुखप्रीत सिंह सुखी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अभी लुधियाने जिले का सातवां बेट तो। ये सारे लोग लुधियाने से? नहीं नहीं, ये अलग अलग जगह से, सारे इत्थे इकट्ठे हो जाए। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो साफ सफाई है ये यहीं पे आप कर रहे हैं या इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरह से किया हुआ? नहीं, पहले दिन से ही यहीं सफाई करते हैं, इतना ही सफाई करते हैं, यदि गंदगी नहीं फैलने देंगे। अच्छा, रोड हो गया जो वाले गंदगी है, कोई रोड खराब है वो पीछे बोट हो या ऐसा कोई भी, जहाँ काम करने वाला सब एक साथ करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग हैं ये, कितने की टीम? हमारे जहाँ हो गए 40-45 लोग, हमारे जो तीन ट्राली हमारी है। अच्छा, तो सारे ये प्लेयर ही हैं? सारे प्लेयर है। अच्छा, मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था और कौन है, और आप भी और कौन है वॉलंटियर? सारे प्लेयर ही हैं। नहीं, मैं आपसे, आप ही बता दो, मैं ये पूछ रहा था कि ये सेवा जो साफ सफाई वाली है ये यहीं पे आप बॉर्डर पे ही दे रहे हो कि पहले भी? पहले हम अपने जब पेंड में भी कोई भी होता है सफाई करने वाली तब भी हम करते हैं। अच्छा। हम खेलते हैं, प्ले ग्राउंड होती है हमारी,
उसका उसको भी साफ रखते हैं। इनका कहना है कि साफ सफाई का यहाँ पे खुद ही ध्यान रख रहे हैं और पहले से भी आदत में रहा है कि जहाँ पर इनका प्लेग्राउंड था और जगह थी वहाँ ये लोग खुद साफ सफाई करते थे।